छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारों साल से सनातन धर्म की धरती भारत को आरएसएस हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अभियान शुरू करने वाली है। राज्य से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत देश भर के संत छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान विभिन्न जिलों से होते हुए प्रदेश की राजधानी रायपुर में 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। यहां सभी संत व समाज प्रमुख एकमत होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। दरअसल हिंदू स्वाभिमान जागरण व सामाजिक समरसता के लिए संतों के द्वारा यह पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा के जिम्मेदारों के अनुसार इस यात्रा के लिए हर गाँव मोहल्ले व सर्वसम्मति से इस संकल्प का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजने की भी रणनीति बनाई जाएगी। निषेध, गौ तस्करी पर प्रतिबंध, लव जिहाद का बहिष्कार, जनसंख्या का असंतुलन और स्वदेशी जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। हिंदू राष्ट्र के लिए प्रदेश में 18 फरवरी से एक साथ चारों दिशाओं से यह पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें से केवल मादंतेश्वरी पदयात्रा 15 फरवरी को शुरू होगी। 30 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में संत हर दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। चारों दिशाओं से सभी एक साथ 17 मार्च को रायपुर पहुंचेंगे। आइए जानते हैं किन चार जगहों से निकलेगी पदयात्रा। महामाया संत यात्रा रामानुजगंज बलरामपुर से 18 फरवरी को शुरू होगी और माँ चंद्रहासिनी पदयात्रा सोगड़ा आश्रम जशपुर से निकलेगी। माँ दंतेश्वरी पदयात्रा रामाराम सुकमा से 15 फरवरी को और माँ बम्लेश्वरी पदयात्रा ताना बरस से 18 फरवरी को निकलकर 17 मार्च को रायपुर में समाप्त होगी। इस पदयात्रा में 200 से अधिक संत और समाज प्रमुख शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।